हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल सी स्क्वायर। सो आज हम लोग बात करेंगे माइनर एप्लीकेंट्स एनेक्सा का, एनेक्सा आई, एनेक्सा डी एंड एनेक्सा सी। ये तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा एनेक्सा कब लगता है, ये डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो सबसे पहले है आपका एनेक्सा डी। ये एनेक्सा डी नॉर्मली लगता है जब आपका दोनों पेरेंट्स अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर न्यू पासपोर्ट फॉर माइनर। तो आप दोनों पेरेंट्स अवेलेबल है तो दोनों का सिग्नेचर लगेगा और उनका पासपोर्ट लगेगा, और अगर पासपोर्ट नहीं हो तो उनका आधार कार्ड या वोटर आईडी का कॉपी लगेगा। तो आपका ये फॉर्म फिलअप बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आई मतलब ये आपका पेरेंट्स का नाम हो गया आई, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस हो गया, गिवन बिलो आर हियर बाय अफर्म दैट द पर्टिकुलर गिवन बिलो आर ऑफ आपका बच्चा का नाम रहेगा यहाँ पे सन एंड डॉटर ऑफ श्री, हस्बैंड का नाम एंड श्रीमती आपका वाइफ का नाम। ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप का तरीका। फिर पर्टिकुलर ऑफ माइनर चाइल्ड नेम, आपका माइनर चाइल्ड का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये डालना है। फिर यहाँ पे आएंगे आप, प्लेस में आप प्लेस डालेंगे, डेट जो डेट है, सिग्नेचर ऑफ फादर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, सिग्नेचर ऑफ मदर राइट हैंड साइड। उसके बाद नीचे में आप पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालेंगे। एंड इन केस ऑफ लीगल गार्जियन तो आप ये लीगल गार्जियन का सिग्नेचर एंड पासपोर्ट नंबर डालेंगे। तो एनेक्सा डी नॉर्मली लगता है सब जगह इनके, और ये एनेक्सा आई आपका इन केस ऑफ चाइल्ड बॉर्न थ्रू सरोगेसी। तो ये प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको आपका सरोगेट पेरेंट्स है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। एनेक्सा सी ये आपका लाइक फॉर सिंगल पेरेंट्स है, या आपका हस्बैंड अब्रॉड, ऑलरेडी अब्रॉड में है और आप साइन नहीं कर सकते हैं, और इन केस आपका डिवोर्स फाइल हो रखा है और ये पेंडिंग है, तो ये सब चीज़ में आपका एनेक्सा सी लगता है। सो दिस इज प्रैक्टिकली फॉर प्रैक्टिकली ओनली एप्लीकेबल व्हेन ओनली वन सिंगल पेरेंट इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर माइनर्स। तो ये डिफरेंस है आपका एनेक्सा सी, एनेक्सा डी एंड एनेक्सा आई का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।